हमारे एक ही वो एक ही हमारी जान, हिंदुस्तान हमारा है और हम ही इसकी शान। उस मोहब्बत की मैं क्या मिसाल दूँ, इसके मंजिल ए आज़ादी ही, कतरे कतरे बहा दिए लाहू का। वो अपने वीर की जवानी ही, ना जाती ही और ना है धर्म, है कोई उनका जो देश की रक्षा करे, वो दिल से हिंदुस्तान है। जब आंखें खुले तो धरती हिंदुस्तान के हूँ, जब आंखें बंद हूँ तो यल हिंदुस्तान के हूँ। हम मर भी जाए तो कोई गुम नहीं, लेकिन मरते वक्त मीठी हिंदुस्तान के हूँ। आज़ादी की कभी शर्म ना होने देंगे, शाहिदों की कुर्बानी को कभी नीलम ना होने देंगे। इस वर्ष भारत का 73वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू किया गया था। उसी उपलक्ष्य में भारत देश के प्रत्येक नागरिक के द्वारा गणतंत्र दिवस को बड़ी उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। गणतंत्र का अर्थ है जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश भारत को गणतंत्र देश के रूप में घोषित किया गया था। सभी भारतीय नागरिकों के द्वारा यह बिना भेदभाव के मनाया जाता है। हम सभी देशवासियों को भारत का नागरिक होने के गर्व है। समाज में हमारी अलग जाति धर्म या कई अन्य चीज़ों के जो हमें अलग करती है, लेकिन इसकी एक व्यापक तस्वीर यह है कि हम सभी भारतीय है। सभी भारतीयों के द्वारा एकजुट होकर गणतंत्र दिवस को मनाया जाता है। हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा जो अपनी मेहनत और संघर्ष की आहुति दी गई थी, इसके कारण ही भारत को पूर्ण स्वराज दिलाया गया और इसी दिन हम पूर्ण रूप से स्वाधीन हो गए थे। उन सभी महान स्वतंत्र सेनानियों के कारण ही आज सभी भारतीय नागरिकों अपने देश में स्वतंत्र के साथ जी रहे हैं। 26 जनवरी 1950 को लड़े माउंट बैटन गवर्नर जनरल के स्थान पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। भारतवर्ष में यह दिवस बड़ी उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया जाता है। कई वर्षों तक भारत की स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा ब्रिटिश शासन का सामना किया गया, जिसके फलस्वरूप देश को उनके चंगुल से आज़ाद कराया गया। उनके इस बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता है। समय